बिजली आपूर्ति से परेशान दीवावासियों के मोर्चे के बाद महावितरण ने पूरे दीवा में की छापेमारी। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 या 4 दिन पहले ही लगातार बिजली आपूर्ति खंडित होना, 10-10, 15-15 घंटे बिजली न होना, छोटी छोटी चीजों की वजह से बिजली आपूर्ति जो है हमेशा जो है बाधित होना, इन तमाम समस्याओं के चलते सभी दीवावासियों ने शिवसेना के नेतृत्व में स्थानीय उप महापौर, नगर सेवक रमाकांत पाटिल, शैलेश पाटिल आदि के नेतृत्व में बिजली विभाग के खिलाफ एक मोर्चा निकाला था शील चौराहे पर। इस मोर्चे के निकालने के तीसरे ही दिन महावितरण का जो मुमरा विभाग है, सब डिवीजन 3 है, उसका उप विभाग शील है, यहाँ के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर के भांडुप डिवीजन की सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुष्पा चौहान, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर महावितरण के और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 टीमें मिलाकर के दीवा के विभिन्न परिसरों में छापामारी की गई। कई इमारतों में जो है, कई मकानों में बिजली के मीटर नहीं पाए गए, डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल की जा रही है ऐसा देखा गया। उसके बाद जो है महावितरण मुमरा सब डिवीजन 3 और शील उप विभाग द्वारा इन तमाम 6 से 8 कॉलोनियों के 300 ऐसे लोगों पर बिजली चोरी की शिकायतें मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जो सीधे बगैर मीटर के बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। यानी दीवा में भी बिजली बड़े पैमाने पर चोरी होती है और महावितरण की शिकायत होती है कि सालाना जो है लाखों करोड़ों रुपयों का उनका राजस्व जो है इस बिजली चोरी के कारण डूबता है। कैसे की महावितरण ने यह कार्रवाई दीवा में, उसके कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। देखिए महावितरण की दीवा में ये बिजली चोरों के खिलाफ की छापेमारी। मोर्चे के बाद दीवा के बिजली चोरों पर महावितरण द्वारा की गई छापेमारी की जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।